तो दोस्तों जिंदगी की असली उड़ा बाकी है, अभी तो जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है हम लोगों ने सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। हेलो एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है November 14, 2018 और डे है वेनसडे। नवंबर 14 को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू ऑल, क्योंकि आज हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। तो ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आई विश यू अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर से, और न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है जो हमारी जल मार्ग विकास योजना है जिसको इम्प्लीमेंट कर रही है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कौन से नेशनल वाटरवे पे ऑपरेट करेगी। आपके ऑप्शंस है ए नेशनल वाटरवे नंबर 1, बी नेशनल वाटरवे नंबर 2, सी नेशनल वाटरवे नंबर 3 या डी नेशनल वाटरवे नंबर 4। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू से। पहली न्यूज़ आपको मिलती है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे सबरीमाला रूलिंग। तो पहले आपको कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ सबरीमाला इशू के बारे में कि इशू क्या था, जिससे सारी की सारी चीज़ें एक बारी और रिवाइज हो जाएं। देखो, सबरीमाला जो इशू था वो एक ट्रेडिशनल एक तरीके की प्रथा थी जिसके अंदर जो महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल एज के अंदर थी, जो 10 to 50 इयर्स के बीच में थी, उनका सबरीमाला टेंपल के जाना निषेध था। उन्हें मना किया गया था कि आप टेंपल के अंदर विजिट नहीं कर सकते हो। सबरीमाला टेंपल जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, केरला के अंदर जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सबरीमाला टेंपल लोकेटेड है, जो कि डेडिकेटेड है टू द लॉर्ड अयप्पा। September 28 को सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 के मेजॉरिटी डिसीजन से इस चीज़ को सामने रखा कि यहाँ पर जो महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, साथ ही महिलाओं की डिग्निटी के भी खिलाफ है। अगर मैं पूरी रूलिंग को एक साथ मिला के देखूँ तो 4 बड़े बड़े डिसीजंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए थे। पहला डिसीजन ये था कि जो पैट्रियार्कल जो पुरानी जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, जो पैट्रियार्कल प्रथा चली आ रही हैं, उनको चेंज होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी जो महिलाएं हैं जो 10 to 50 ईयर्स के बीच की एज की हैं, जो मेंस्ट्रुअल एज के अंदर हैं, उनको जाने की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाओं को भी इक्वल अधिकार है, इक्वल राइट्स है सबरीमाला टेंपल के अंदर विजिट करने का। तीसरी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात की गई वो ये थी कि कोई भी रिलीजन यहाँ पे राइट टू वर्शिप को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो राइट टू वर्शिप को डिनाई करता है तो वो किसी भी पर्सन की, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी के खिलाफ है। फोर्थ और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने बोला था वो ये था कि जो भी डिवोटी हैं लॉर्ड अयप्पा के, वो कोई सेपरेट रिलीजन फॉर्म नहीं करते, दे आर अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, तो इसीलिए उनको कोई भी सेपरेट रिलीजन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिक्ट सुना दिया था सबरीमाला की जो ट्रेडिशन था उसके खिलाफ, यहाँ पे महिलाओं की डिग्निटी को, इक्वल राइट्स को सामने रखते हुए, पर उसके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी यहाँ पे केरला के अंदर। केरला के अंदर जो डिवोटीज थे, जो मेल डिवोटीज थे, उन्होंने एक तरीके से रिंग फेंस बना दी, और जो महिला डिवोटी थे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बावजूद भी उनको टेम्पल के अंदर नहीं घुसने दिया। बहुत सारा वायलेंस होता हुआ भी हमें नज़र आया, साथ ही सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया कि सरकार भी यहां पे रिव्यू पेटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सितंबर 28 वाला जो वर्डिक्ट था उसको रिवर्स किया जाए, उसको बदला जाए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी रिव्यू पेटीशन आती जा रही थी। इन नंबर 49 रिव्यू पेटीशंस थी जो कि सबरीमाला वर्डिक्ट के खिलाफ थी। फाइनली क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बोला है कि जो 49 पेटीशंस हैं, जो रिव्यू पेटीशंस हैं, उन पेटीशंस को हम लोग सुनेंगे, और उसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाई जाएगी जिसको लीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। देखो, जब सितंबर 28 वाला वर्डिक्ट आया था उस समय हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो थे दीपक मिश्रा। एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिर्फ जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी उनका जो डिसीजन था वो सबरीमाला वर्डिक्ट से अलग था। वो चाहती थी कि यहाँ पर जो रिलीजियस जो चाहे की सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 25 के अंदर लिखी हुई हैं उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ना जाए, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जो रिव्यू पिटीशंस हैं हम उनके सुनेंगे, उनकी बात भी सामने रखेंगे, देखेंगे कि उनके पास क्या क्या तथ्य हैं, उनके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं।
बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और चीज़ को साफ कर दिया कि जब तक उस चीज़ को नहीं सुना जाएगा, जो सुनने वाली जो डेट है उसे January 22, 2019 रखा गया है, तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 28 सितंबर वाला, उसको ही मान्य रखा जाएगा, उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया जाएगा। इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। तो ये विन विन आउटकम हमें होता हुआ नज़र आया है कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने रिव्यू पिटीशन डाली थी उनकी भी बात को एक्सेप्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को भी एक्सेप्ट किया, यहाँ पे जो डिवोटीज जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ थे उनकी भी रिव्यू पिटीशंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लिया, और यहाँ पे जिन महिलाओं ने केस किया था, जो केस चल रहा था यहाँ पे महिलाओं की डिग्निटी का, उसको भी यहाँ पे सामने रखते हुए जो डिसीजन था उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया। तो ये यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें थी जो सबरीमाला इशू से रिलेट करती थी। इसी के साथ आपको एक और खबर मिलती है, श्रीलंका कोर्ट स्टेज डिसॉल्यूशन स्नैप इलेक्शंस। यहाँ पे श्रीलंका से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि जो प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपाल सिरिसेना, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और बोला कि January 5 को यहाँ पर री इलेक्शन होंगे श्रीलंका के अंदर। उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिसॉल्यूशन नहीं होगा और इलेक्शन वाली डेट को भी स्नैप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस तरीके को सामने रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ें हैं उससे बाहर जाकर यहाँ पे प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना ने सारे के सारे डिसीजंस लिए हैं। अब श्रीलंका में हुआ क्या था उसका भी आपको एक बारी बैकग्राउंड दे देता हूँ, जिससे श्रीलंका का जो पूरा इशू है वो बिल्कुल आपके सामने आँखों के आ जाए। तो श्रीलंका में क्या हुआ था, एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। जो प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना, उन्होंने क्या किया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रनिल विक्रम सिंघे, उनको उनके पद से हटा दिया। जब उनको उनके पद से हटाया तब वो मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। आप खुद सोच के देखो, जब कोई व्यक्ति मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर उस समय पर उसे नहीं हटाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, बट फिर भी उन्हें हटाया गया और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे राजपक्षे उनको चुन लिया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर जो श्रीलंका के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका भी यहाँ पे एक चीज़ सामने आई, उन्होंने भी बोला कि जो नए जो प्राइम मिनिस्टर आपने चुना है यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट राजपक्षे को, उनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक मेजॉरिटी प्रूफ नहीं करी है पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना थे उन्हें एक चीज़ की उम्मीद थी कि जब तक पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जाएंगे मेजॉरिटी लेने के लिए, जब तक हम लोग सब चीज़ें सेटल कर लेंगे, बट फाइनली जैसे जैसे डेट नज़दीक आती गई उनको इस चीज़ का सामना होना पड़ा, साथ उनके आना पड़े इस चीज़ को कि यहाँ पर वो मेजॉरिटी एंजॉय नहीं कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने अपने एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पर उन्होंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो था Article 33(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, जो कि पावर देता है प्रेसिडेंट को टू समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पावर्स। पर यहां पे जो प्रेसिडेंट है मैत्रीपाल सिरिसेना वो एक चीज को भूल गए कि एक 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी उनको कम कर दिया गया था, उन पर्टिकुलर पावर्स को कहीं ना कहीं डिग्रेड कर दिया गया था। यहां पर इस चीज को बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते 4.5 साल के अंदर अंदर। तो 4.5 साल के बाद तो कर सकते हो, पर 4.5 साल के अंदर अंदर नहीं कर सकते। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में करना होगा तो 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स को यहाँ पे लिख कर देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, तभी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो उस चीज़ के खिलाफ गए यहाँ पे, और पहले ही वो जा चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जब उन्होंने एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट को यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। तो और यहाँ पे जो मैत्रीपाल सेना थे उन्होंने इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी थी January 5। तो फाइनली जो श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखा है, उसने कहीं ना कहीं लोगों की विक्ट्री को दिखाया है, ऐसा कहना है रनिल विक्रम सिंह का। उन्होंने बोला है कि जो सॉवरेनिटी ऑफ पीपल है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश यहां पे श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और यहां पे जो डिसॉल्यूशन था पार्लियामेंट को उसको स्नैप आउट कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, और जो इलेक्शन डेट थी उसको भी फाइनली खारिज कर दिया है। तो यहां पे ये दो न्यूज थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एक हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करते हुए थी, एक श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करती हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ, सदन पोर्शन ऑफ अ नेशन से पेज रिलेट करता है। यहाँ पे आपको खबर मिलती है, काउंटडाउन बिगिंस फॉर F1 पावर बोट रेसिंग। तो F1 H2O पावर बोट रेसिंग इस बार इंडिया के अंदर भी उसका एक इवेंट होने वाला है, इसलिए वो इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा हाइप में है।
सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो F1 पावर बोट रेसिंग होती है वो कैसी होती है आप अपनी स्क्रीन पे देखकर इमेजिन कर सकते हो। ये एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जिसको ऑर्गेनाइज करती है यूनियन इंटरनेशनल मोंटेनेग्रो, ओके UIM इसे ऑर्गेनाइज करती है। एक मल्टीपल ग्रैंड प्रिक्स इवेंट की सीरीज होती है जो कि इस बार टेक प्लेस कर रही है यूरोप और एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर बहुत सारी जगह पर इन्हें यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक इवेंट हम लोगों को कृष्णा नदी के ऊपर अमरावती के अंदर देखने को मिलेगा। अमरावती इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर्स के लिए आप जिस चीज़ को याद रखोगे वो ये है कि जो F1 पावर बोट रेसिंग है उसका एक इवेंट इंडिया में किस जगह पर हो रहा है, कौन सी नदी के ऊपर हो रहा है, तो रिवर कृष्णा के ऊपर हो रहा है, अमरावती के अंदर हो रहा है, और अमरावती इज द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 6 की तरफ। नेशन वाला पेज है, यहां पे आपको खबर मिलती है इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लूजिंग स्टीम। एक RTI लगाई गई थी और उसके द्वारा कुछ यहां पे डेटा हम लोगों के सामने आया है। डेटा बात कर रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बड़ा सवाल सामने ये आ गया है कि क्या जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो एक फेलियर की तरफ जा रही है, क्या वो पर्टिकुलर स्कीम फेल हो गई है। रीजन ये बताया जा रहा है, देखो कि यहाँ पे 2016-17 के अंदर जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था उसके पहले साल के अंदर जितने फार्मर्स ने इस स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया था उनमें से 15% फार्मर्स ने बैकआउट कर लिया अगले साल, मतलब 2017-18 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर अपने आप को री एनरोल नहीं किया 15% फार्मर्स ने। तो ये बड़े सवाल हम लोगों के सामने आ गए हैं। सबसे पहले आपके साथ में डिस्कशन में लूंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्योंकि यहाँ पे योजना का जिक्र आया है तो एग्जाम के लिए हम लोगों के लिए योजना को रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फार्मर वेलफेयर स्कीम है जिसको 2016 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लोगों को इंश्योरेंस मिले, फार्मर्स को इंश्योरेंस मिले ऑन अ फास्टर बेसिस, बहुत जल्दी से उन्हें इंश्योरेंस मिल सके, और दूसरी चीज़ है और जो फार्मर्स को रिलीफ भी मिल सके बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीज़ों से। देखो हमारे देश में एक नई चीज़ चल रही थी उस समय, वन नेशन वन स्कीम। तो यहाँ पे वन नेशन वन स्कीम के अंदर हम लोग लेकर आए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंदर पहले से ही चलती हुई दो फार्मर इंश्योरेंस स्कीम जिनका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जिसको हम लोग NAS के नाम से जानते हैं, और दूसरी स्कीम थी यहाँ पे मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNIS। तो यहाँ पे इन दोनों स्कीम्स को एक तरीके से सब्ज्यूम करके या ख़त्म करके हम लोग एक नई स्कीम को सामने लेकर आए थे जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दी क्रॉप लॉस। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इसके अंदर जो पुरानी वाली स्कीम थी उनसे ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप लॉस से रिलेटेड जो प्रिवेंटेबल रिस्क हैं उनको इंक्लूड किया गया था। जैसे इसके अंदर कुछ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क थे जैसे नेचुरल फायर्स, स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, साइक्लोन, इनको इंक्लूड किया गया यहाँ पे लोकलाइज्ड कैलामिटी के अंदर। इसके साथ साथ जो नई वाली हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी इंक्लूड किया गया इस अपनी स्कीम के अंदर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग हो गई किसी क्रॉप की और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई लॉस हो गया, या हार्वेस्टिंग के बाद कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी आ गई, रेनफॉल हो गई, उस वजह से क्रॉप लॉस हो गई, तो उन पर्टिकुलर इवेंट को पहले वाली जो इंश्योरेंस स्कीम थी उनमें कवर नहीं किया जाता था, पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर उन पर्टिकुलर चीज़ों को भी कवर किया जाता है। देखो इसके अंदर जो नोटिफाइड क्रॉप होंगी, जो पर्टिकुलर किन्हीं नोटिफाइड एरिए में होगी जिनको सरकार डिक्लेयर करेगी, उनके अंदर जो फार्मर्स होंगे उनके लिए कंपलसरी होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस को अवेल करना, इंश्योरेंस को लेना। पर जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है सरकार का, सरकार से उन्होंने कोई भी लोन नहीं ले रखा है, उनके लिए वॉलेंटरी होगी कि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और नहीं भी उठा सकते जैसा उनका मन हो। यहाँ पर जो प्रीमियम रेट हैं उनको भी नेशनल वाइड इक्वल फिक्स किए गए, जैसे 1.5% फिक्स किया गया रबी के लिए, यहाँ पे 2% फिक्स किया गया खरीफ क्रॉप के लिए, और 5% फिक्स किया गया हॉर्टिकल्चर के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम लोग बहुत नई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर कर रहे हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स है वो आसान हो सकेगा। देखो पहले क्या होता था कि फार्मर्स जाते थे, लिख के दे देते थे कि हमारी इतनी क्रॉप का नुकसान हो गया, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल आता था सरकार का, वो एक बार देखता था यहाँ पे खेतों को और फिर अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट कर देता था। वो कोई एक तरीके से साइंटिफिक यहाँ पे मेथड नहीं था क्योंकि उससे कुछ बहुत ज़्यादा करप्शन भी होता था। पर नई बड़ी योजना के अंदर इस चीज़
चीज को सामने लाएगा कि रिमोट सेंसिंग मेथड्स के थ्रू यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि कितना क्रॉप का नुकसान हुआ है और उसके बेसिस पे यहाँ पे इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिटेल थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जो आपके लिए एग्जाम रेलिवेंट है। अब आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ ये कह रही है कि 84 लाख फार्मर्स, जो कि अराउंड 15% है ऑफ द टोटल फार्मर्स जिन्होंने साल 2016-17 के अंदर यहाँ पे बेनिफिट उठाया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अपने आप को अवेल करवाकर, उनमें से जो 15% जो लोग हैं, जो 84 लाख फार्मर्स हैं, उन्होंने अगले साल अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है एक RTI के थ्रू आई है। तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये आ गया है कि क्या यहाँ पे जो हमारी न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वो एक फेलियर की तरफ जा रही है। यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट का ये भी कहना है कि ये जो योजना है ये फार्मर के बेनिफिट के लिए कम, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है जिनके थ्रू यहाँ पे PMFBY का फायदा उठाया जाना है, जो कि जैसे रिलायंस है, ICICI है, HDFC है और IFCO है, उनको बेनिफिट पहुँचाने के लिए इस स्कीम को सामने लाया गया था। देखो ये तो कहीं ना कहीं एक गलत तरीके की न्यूज़ है जो कि प्रेजेंट हो रही है, क्योंकि फाइनली जो इस स्कीम है इसका फायदा तो फार्मर्स ही उठा रहे हैं। तो एज पर दी स्कीम जो क्रॉप लोन है जो कि लिया जाता है थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड और जो बाकी सारी चीज़ों के लिए लिया जाता है, उसके अंदर कुछ कंपलसरी कवरेज भी किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि यहाँ पे जो स्कीम है वो एक फेलियर की तरफ जा रही है या नहीं, तो अभी इस चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। जो डेटा है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो और एक बार रीड आउट कर सकते हो अगर आपको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। नेशन वाला पेज है, यहाँ पे आपको खबर मिलती है न्यू इंडेक्स टू चेक ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि वो एक नया इंडेक्स हम लोगों के सामने रखेंगे जिसका नाम होगा ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स। यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर स्टेट्स को रैंक किया जाएगा। रैंकिंग किस बेसिस पे होगी, यहाँ पे देखा जाएगा कि स्टेट्स ने क्या क्या रिफॉर्म यहाँ पे करे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, देखा जाएगा कि कितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है एग्रीकल्चर के अंदर, जो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको कितना इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है उसे कितना कम किया है, जो मिटिगेशन वाली स्ट्रेटजीज है उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, जो मिटिगेशन मेजर रिस्क हैं उन्हें कितना यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है। इसके साथ साथ देखा जाएगा और भी सारे जैसे गवर्नेंस का इशू भी यहां पे देखने को हमें मिलेगा। तो जो प्रपोज जो इंडेक्स है वो फोकस करेगा रिफॉर्म्स के ऊपर। तो रिफॉर्म्स का जो सेक्शन होगा वो 25% का होगा यहां पे इस वाली नई रैंकिंग के अंदर। इसके साथ साथ जो गवर्नेंस और जो लैंड रिफॉर्म का जो सेक्टर होगा वो 20% का होगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो रिफॉर्म और गवर्नेंस का पूरा मामला है, जो इंडिकेटर्स हैं, वो 50% ऑफ द टोटल इंडेक्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा ये वाला नया ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स, क्योंकि यहां पर जो रैंकिंग होगी उसके बेसिस पे यहां पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट्स को, जो स्टेट्स यहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे इस रैंकिंग के अंदर, और जो स्टेट्स इंक्रीमेंटल टर्म्स में भी आएंगी, मतलब अपने मतलब 2 साल ये लगातार अगर इंडेक्स लॉन्च होता है तो सेकंड ईयर में भी ये देखा जाएगा कि पहले इंडेक्स से किन स्टेट्स ने ज्यादा अच्छी रैंकिंग दिखाई है, ज्यादा अच्छी तरीके से रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया है, तो उनको भी एक्स्ट्रा पैसे यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे फ्लेक्सी फंड्स के थ्रू। तो इसलिए ये जो इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं इस इंडेक्स को कब यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से हम लोगों के सामने रखते हैं। नाम याद रखना ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस इंडेक्स। यहाँ पे इस टाइप का एक और इंडेक्स पहले भी हमारे सामने आ चुका है जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था। उस इंडेक्स का नाम था एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, जिसके अंदर भी रिफॉर्म्स देखे गए थे कि स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे रिफॉर्म्स किए यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग और फार्म फ्रेंडली जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो 2016 के अंदर इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था और इसकी जो पहली रैंकिंग थी उसके अंदर टॉप किया था महाराष्ट्र ने और उसके बाद आई थी गुजरात। तो आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा खबरें नहीं थी, एग्जाम रिलेवेंट सिर्फ इतनी ही न्यूज थी आज के न्यूज़पेपर में। तो आज के न्यूज़पेपर को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन दबा देना। कोई भी मन में कमेंट, डाउट या क्वेरी हो तो भी फेसबुक पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट ड्रॉप करके मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।